बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त पराजिमी दारानू। ते मैं तो दोस्त आसिफ रजा, तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ रजा रहमानी दे नाल। ते दोस्तों अगे असी तीन चार पॉइंट ते वीडियो बनाई है। हुण असी अज एक अहम ते बेहतरीन वीडियो लैके हाजिर होए हैं बरसेम दे बारे। बरसेम कई इलाकों दे विच बरसेम, लूसन, रिंजका, ये शताला कई नाँ ने, कई इलाकों कई किस्म के बीजे जाते हैं। तो यदा असी वीडियो बनावण का मकसद ये आ, सही टाइम, सही जमीन, जमीन किस तरह बनाया जाए, थले की चीज़ पाई जाए, उस बारे तुहानूं दसना चाह रहे हैं। मुख्तसर वीडियो बनावांगे, तुहाडा एडा टाइम नहीं लवांगे। मुख्तसर वीडियो गल ये आ भी पहले तुसां जमीन की तैयारी शताला बरसेम करन वास्ते इस तरह करनी है कि उहनूं तुसीं चंगी तरह हल चला के, उन्होंने रोटा चला के लेजर कर लेना है, बराबर हो जाए, कोई थोड़ी जमीन टुकड़िया से ना हो, कोई उच्ची कितने नीवी ये चीज ना हो। लिहाजा पानी जो खला होगा वो तो शताला उतो बरसेम खराब हो जाएगी। तो असल पहली गल मैं टाइम ते आवा, इंदा असल टाइम 1 अक्टूबर तो 10 अक्टूबर है। तो कई दोस्त मुंजिया धान की फसल कट के उन्दे ते शताला बीजते हैं। उन्होंने दोस्तों वास्ते खास तौर पर वीडियो है कि वह दोस्त इस वीडियो ने गौर ना सुना ना कि उन्होंने जमीन की तैयारी किस तरह करनी। उन्होंने जमीन की तैयारी करके जमीन हल चला के उसके खाद का इस्तेमाल करना है, डीएपी का कर लैन या नाम याती मादे आली रूड़ी वगैरह, ये चीज़ा भी काफ़ी मकदार पा सकते हैं, डीएपी खाद पा सकते हैं। इन्होंने चीज़ों का खसूसी ख्याल रखन उनके खुराक का। दोस्तों मैं दस रहा कि जिहड़े दोस्त धान की फसल कट के शताला यानी कि पछेत्रा हो जाता है 15 अक्टूबर वस्त, यानी कि अक्टूबर तो बाद जिन्ना लेट करोगे वो बरसेम शताला पछेत्रा होता जाएगा। ये वास्ते जरूरी ये है कि तुहानू खादा का इस्तेमाल ज्यादा करना पैना है। जिहड़े दोस्त लेट लाते हैं, मजबूरी होंगी है, उन्होंने को जमीन नहीं है, वो धान की फसल कट के लाएंगे, उन्होंने वास्ते ये आ वो खाद का इस्तेमाल डीएपी का थले इस्तेमाल कर लैन या आली रूड़ी वगैरह इस्तेमाल कर लैन जमीन की तैयारी के अंदर ही, वो लाएंगे तो इंशाला भरपूर फायदा होएगा, भरपूर फसल उगेगी। तो मैं गल करता चला पिछे भी की है कि जेडे दोस्त दान की जमीन खाली होंगी तो उन्होंने बनाते हैं, अक्सर इलाकों वेख्या जाता है कोई गिली होंगी, उनके हल नहीं चलता, उन्होंने तरीकाकार कई किस्म के तरीके होंगे ने, उनके ही उन्होंने हल चला देन। जिस तरह आप मूंजीदार फट कद्दू वगैरह करने हैं उस तरीके ने उन्होंने सोहनी तरह बना के मेरे भाई उनके छट्टा दे सकते हो, बीज का पानी का इस्तेमाल घट करना। जदों पानी जमीन मतलब बत्तर आ जाए, चिट्टी सफेद जमीन हो जाए, उस टाइम तुम पानी दोबारा लगा सकते हो। तो इस तो बाद इंशाला अगे अगे ये दसांगे असी शताले दे विच बीमारियां किहड़ियां आदियां ने। कुछ मुढ़ा तनिया दे विचों ना सफेद हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, झग जी बन जाती है, वह बीमारी अहम है। वो थलों जनाब दूसरे लौ बारी वो जड़ा ही मारिया जाते हैं, दूसरे कई जगह से दूसरा लौ ही नहीं लै सकते बेचारे, वो मारे जाते हैं। कुछ पौधे उगते हैं, कुछ जड़े ने वो जाया हो जाते हैं। ये बारे इंशाला अगे असी वीडियो बनावे तफसीलन दसांगे दोस्तों कि इन इस बीमारी तो किस तरह बचा जा सकता है, तो किस तरह तुम भरपूर पैदावार लै सकते हो, किस तरह ज्यादा लौ लै सकते हो, ये की इदा ख्याल करोगे वह ज्यादा लौ तो मिल सकन। इसी मेन वक्त दसना दोस्तों, मेन टाइम दसना भी हम ज्यादा अगे अगे लेट हो रहे हो, वो वास्ते मैं एक बार फिर दसदा चलना कि खादा का इस्तेमाल डीएपी या नामियाती मादे अरूड़ी वगैरह जी ये फसलों अंदर पा के शताले काश्त करो, लेजर करके काश्त करो, पानी का इस्तेमाल घट करना शुरू तो भी पानी जमीन इस तरह थोड़ी बराबर हो, पानी बराबर फिरदा चले, जिथे पानी ज्यादा खड़ा हो गया तो उत्थे खराब हो जाना। दूसरे नंबर पर बारी जमीन कई होंदिया ने, कई जमीन पथरिया जी होंगे ने जिहड़ियां पानी लाओ फौरन पी जाने, कई जमीन पानी ला दो 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 दिन नहीं पी। बीज सट्टन लग्या तो लाजमी देखना है कि यह पानी जल्दी पीती है तो उन्होंने बीज सट दो, अगर थोड़ी जमीन पानी लेट पीती है तो दोस्तों यदा खास ख्याल रखना है कि वह फौरन बीज नहीं सट्टना। जो पानी थोड़ी मकदार च रह जाए तो जेन हो भी आज शाम तक पानी खुश्क हो जाएगा, फिर उस बीज सट सकते हो। ये पहले बीज सटो कि 3 दिन पानी ना खुश्क हो तो बीज के भी मरण का खतरा होंगे, बीज खराब हो जाता है, फिर उगाओ घट आता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है भी पानी थोड़ी जमीन जल्दी पीती है तो बीज पानी ला के बीज फौरन सट दो, अगर भारी जमीन है पानी नहीं जल्दी पीती
डीएपी का भी इस्तेमाल अगर कर चुके हो तो पानी कुछ मकदार पानी वो जमीन खिंच जाएगी, थोड़ा मकदार च रह जाएगा, तो फिर तुम जनाब उनके बीज सटना है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। तो मैं पारफ करा चलना, असफ रजा मेरा नाँ है, समर जरी स्प्रे सेंटर के नाँ तो मेरी शॉप है, तो पेस्टिसाइड कंपनी मेरा तलक है। असफ रजा रहमानी के नाँ तो मेरा यूट्यूब चैनल है। सब दोस्त सबसक्राइब करो, वीडियो में देखो, शेयर करो कि सब दोस्त फायदा हासिल कर सकन। तो इस ही मैं इजाजत चाहना, अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब मी।